नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोसर डी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डोसर डी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डोसर डी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोसर डी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डोसर डी एक ब्रांड नेम है। डोसर डी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। डोसर डी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन डाइक क्लोफिनेक 50 mg और सेरेसियोपेप्टिडेज 10 mg होता है। डोसर डी टैबलेट का उपयोग शरीर में दर्द होने पर और सूजन को कम करने के लिए डोसर डी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो डोसर डी टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। डोसर डी टैबलेट का उपयोग शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, शरीर की हड्डियों व शरीर के जोड़ों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर में दर्द होने पर, कान में दर्द होने पर और गले में दर्द होने पर आदि कंडीशंस में डोसर डी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए डोसर डी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर भी जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी डोसर डी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डोसर डी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डोसर डी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में डोसर डी टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक डोसर डी टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोसर डी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डोसर डी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डोसर डी टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही डोसर डी टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। डोसर डी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डोसर डी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोसर डी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर डोसर डी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डोसर डी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। डोसर डी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोसर डी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। डोसर डी टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डोसर डी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी डोसर डी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डोसर डी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोसर डी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।